हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने हिस्ट्री के 2 चैप्टर्स कर लिए हैं। आज हम अपना हिस्ट्री का लेसन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नेम है इन द अर्लीस्ट सिटीज, मींस आरंभिक नगर जो थे उनमें क्या क्या था, जो मनुष्य था। हमने चैप्टर सेकेंड में पढ़ा अर्ली ह्यूमन बींग के बारे में, कि कैसे वो इधर उधर घूमता था अपना भोजन इकट्ठा करने के लिए, फिर धीरे धीरे उसने इम्प्रूवमेंट शो किया और फिर अपने घर बनाने शुरू कर दिए और फसल उगानी शुरू कर दी। अब ये है कि आरंभिक मनुष्य जो था, या जो भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लेसन 3 में, कि शुरुआत में नगर कैसे होते थे, नगरों में घर कैसे होते थे। देखिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1, सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग्स को बचाना। पॉइंट नंबर 2, द स्टोरी ऑफ हड़प्पा, हड़प्पा संस्कृति कहानी। थर्ड पॉइंट, व्हाट वाज स्पेशल इन हड़प्पा विलेजेस, हड़प्पा जो संस्कृति जो थी उसमें गांव में स्पेशल क्या था, क्या स्पेशल चीजें थी उनके गांवों में। पॉइंट 4, हाउसेज ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, घर कैसे थे, क्या घरों के आसपास नालियां भी थी, क्या घरों के आसपास गलियां भी थी, इन सब पॉइंट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए चैप्टर नंबर 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 2 स्टूडेंट्स हैं, उनकी बातचीत से शुरू होता है। 2 बच्चे हैं, जसपाल एंड हरप्रीत, और वो दोनों आपस में अपनी गली में खेल रहे हैं। देखिए वो क्या बात करते हैं, सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग, एक पुरानी इमारत को बचाना। जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम व्हेन दे नोटिस्ड द पीपल हु वर एडमायरिंग द डायलैपिडेटेड ओल्ड बिल्डिंग दैट द चिल्ड्रन कॉल्ड द हॉन्टेड हाउस। जसपाल एंड हरप्रीत जो कि अपनी गली में खेल रहे थे घर के बाहर, उन्होंने ये नोटिस किया, देखा कि कुछ लोग एक घर की पुरानी बिल्डिंग की जो खंडर थी उसकी प्रशंसा कर रहे थे और उस बिल्डिंग को लोग भूत वाला घर बोलते थे, कि उस घर में कोई नहीं रहता था, बड़ी खंडर सी बिल्डिंग थी, बट फिर भी लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। लुक एट द आर्किटेक्चर सेड वन ऑफ देम, उनमें से एक ने कहा कि इस बिल्डिंग का वास्तुकला देखिए। हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग, आस्क्ड वन ऑफ द वुमेन, उनमें से एक महिला ने कहा, क्या तुमने पहले कभी इतनी अच्छी लकड़ी की नक्काशी देखी है। वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर सो दैट शी मेक्स अरेंजमेंट्स टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस बिल्डिंग हाउस, दिस ब्यूटिफुल हाउस। हम अवश्य ही मिनिस्टर को लिखेंगे कि इस इतने सुंदर घर को संरक्षित करें और इस पुरानी बिल्डिंग की मरम्मत करवाएं। वाई दे वंडर्ड, उन बच्चों को आश्चर्य हुआ कि क्यों ये जो 2 महिलाएं हैं ये इस तरह की बात कर रही हैं। वुड एनीबडी बी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड रन डाउन हाउस, कि क्यों कोई भी व्यक्ति इस पुरानी और खंडर बिल्डिंग को बचाने के लिए इतना उत्सुक है, इंटरेस्टेड है और जो है इतनी बातें कर रहा है। नाउ द स्टोरी ऑफ हड़प्पा, अब हड़प्पा की कहानी देखी। वेरी ऑफन अक्सर ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल, पुरानी बिल्डिंग्स अपनी कहानियां खुद बताती हैं। नियरली 150 ईयर्स अगो, लगभग 150 साल पहले, व्हेन रेलवे लाइंस वर बीइंग लेड डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पंजाब, जब 150 साल पहले पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, इंजीनियर्स स्टंबल्ड अपॉन द साइट ऑफ हड़प्पा
इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। तो जो इंजीनियर्स थे, जो जगह आज पाकिस्तान में है, जो हमारा पूरा पंजाब पहले था उसका आधा पार्ट पाकिस्तान में चला गया है और आधा पार्ट हमारे पास आता है। तो जितने भी इंजीनियर्स थे उन्होंने उस जगह को देखा और उन्होंने सोचा कि ये तो उसको खोद डाला और उसने देखा कि इसमें तो यहाँ पर खंडर है, ऐसा कुछ नहीं है, तो उन्होंने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उन्होंने उसको जो देखा और उसमें जो कुछ मिला उसको यूज कर लिया, जो पंजाब आज पाकिस्तान में है। टू देम उनके लिए इट सीम्ड लाइक अ माउंट, उनके लिए बस एक केवल ये टीला था, एक ढेर सा था, एक खंडर था। दैट वॉज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड, जो कि रेडीमेड चीजों के अलावा उनके लिए स्रोत बन गया था। मीन्स उनको वहां पर जो कुछ मिला वो उन्होंने कैसे यूज किया, देखिए। हाई क्वालिटी ब्रिक्स, उनके लिए रेडीमेड चीज थी कि अच्छी क्वालिटी की उनको ईंटें मिल गई थी। सो दे कैरिड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन्स। इसलिए उन्होंने हजारों ईंटें वहां वो जो पुरानी बिल्डिंग्स थी उनके दीवारों से निकाल ली रेलवे लाइन बनाने के लिए। मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, कई बिल्डिंग्स तो बिल्कुल ही खत्म कर दी गई वहां पर। उन्होंने सोचा कुछ पुरानी बिल्डिंग्स हैं इनको हम तोड़ देते हैं और इसकी ईंटें निकाल लेते हैं, उसको हम यूज कर रहे हैं रेलवे लाइन बिछाने में। देन अबाउट 80 ईयर्स अगो, तब लगभग 80 साल पहले, आर्कियोलॉजिस्ट जो हमारे पुरातत्ववेत्ता हैं फाउंड द साइट, उनको ये जगह मिली एंड रियलाइज्ड, और उन्होंने ये महसूस किया दैट दिस वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द सब कॉन्टिनेंट। तब उनको ये लगा कि ये जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, हमारा जो कंट्री है, इसमें ये सबसे पुराने शहरों में से एक जगह थी। मीन्स यहाँ पर हड़प्पा जो जगह थी, जो पंजाब में जो जगह है, ये सबसे पुराने शहरों में एक था। एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, और पहली बार इस नगर को जो है खोजा गया। ऑल अदर साइट्स फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स एंड अदर थिंग्स वर फाउंड वर डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पन। और भी जो चीजें या और भी जो नगर दूसरी जगह मिले हैं उसी तरह की बिल्डिंग्स को, जिनको कि हड़प्पा के नाम से, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया है। दीज सिटीज डेवलप अबाउट 4700 ईयर्स अगो, ये नगर 700 साल पहले बने, मीन 4700 साल पहले ये नगर बसे थे। वेरी ऑफन द बिल्डिंग्स आर पुल्ड डाउन टू मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन, अक्सर पुरानी बिल्डिंग्स को नई बिल्डिंग्स बनाने के लिए तोड़ दिया जाता है या ढहा दिया जाता है। डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग्स, आप क्या सोचते हैं कि पुरानी बिल्डिंग्स का संरक्षण करना, उनको संभाल कर रखना चाहिए हमें? वट वॉज स्पेशल अबाउट दिस साइट दिस सिटीज, इन नगरों में क्या विशेषता थी, क्या स्पेशल था? Many of these cities were divided into two or more parts, usually the part to the west by smaller but higher. इनमें से कई नगरों में were divided into two, कई नगर जो थे वो दो या इससे ज्यादा भागों में बटे हुए थे। अक्सर जो west की तरफ part होता था वो west वो smaller, छोटा था लेकिन वो higher था, ऊंचा था वो। आर्कियोलॉजिस्ट जो हमारे पुरातत्ववेत्ता हैं, वो वर्णन करते हैं डिस्क्राइब दिस एज द साइटेडल, वो इसका ऊपरी हिस्से की तरफ इसका इशारा करते हैं, उसको जो है डिस्क्राइब करते हैं। जनरली जो नगर का बड़ा इलाका होता था, जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर, लेकिन जो ईस्ट का पार्ट था वो बड़ा होता था लेकिन उससे नीचे होता था। दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन, इसको लोअर टाउन या निचला नगर कहा जाता था। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक ब्रिक वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट, अक्सर जो है हर भाग में क्या है उसको, अक्सर क्या है जो
बिल्कुल पकी हुई ईंटें, बड़ी पक्की ईंटें क्या है, इनसे निर्माण किया जाता था। वर बिल्ट अराउंड द ईच पार्ट, हर भाग को पक्की ईंटों से जो है चारों तरफ उसकी बाउंड्री की गई थी। द ब्रिक्स वर सो वेल बेक, ईंटों को इतना अच्छे तरीके से पकाया गया था दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, कि वो हजारों सालों तक चलती थी। देखिए 150 साल पहले हमने रेलवे लाइन स्टार्ट की और 4700 साल पहले की बिल्डिंग्स के अवशेष मिले हैं और जो ईंटें सही सलामत मिली हैं। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग, ईंटें एक दूसरे को जो है एक दूसरे के अंदर फंसाकर जो है उनको बनाया जाता था ताकि दीवार जो है मजबूत रहे। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द साइटेडल, कई शहरों में जो स्पेशल बिल्डिंग्स होती थी उनको ऊंचे या जो उच्च नगर होता था वहां पर बनाई जाती थी। फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदाड़ो अ वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ वॉज बिल्ट इन दिस एरिया। उदाहरण के लिए देखिए जो मोहनजोदाड़ो जगह है जो आप पाकिस्तान में है, आप इस मैप में देखिए, मैप जो दिखाया गया साइड में मैप नंबर 3, यहाँ पर बहुत बड़ा जो है एक टैंक मिला है पानी का और जिसको कि बहुत विशाल स्नानागार कहा गया है हमारे पुरातत्व वेताओं के द्वारा जो कि उस एरिया में बनाया गया था। दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स, इसको ईंटों से बनाया गया था, कोटेड विद प्लास्टर और ये इन ईंटों पर प्लास्टर किया गया था एंड मेड वाटर टाइट विद ए लेयर ऑफ नेचुरल टार, और बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से तारकोल से उसके ऊपर लेयर की गई थी और प्लास्टर से उसको जो है ढका गया था, उसे प्लास्टर किया गया था और बहुत ही उसमें पानी ना इधर उधर जाए कहीं से आए ना, इस तरह से बिल्कुल उसको सील करके बनाया गया था। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स, और उसके दोनों तरफ सीढ़ियां बनी हुई थी। वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड्स, जबकि चारों तरफ रूम्स बने हुए थे। वॉटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल, और अक्सर ऐसा लगता था उसमें कि किसी कुएं से वहां पर पानी लाया जाता था एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज, और यूज करने के बाद उस पानी को इस्तेमाल करने के बाद नालियों के द्वारा बाहर कर दिया जाता था। परहैप्स इम्पोर्टेंट पीपल टू के डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन, हमारे पुरातत्व वेता ये कहते हैं, ये अनुमान लगाते हैं कि इतना बड़ा जो स्नानागार मिला है शायद जो इम्पोर्टेंट लोग होंगे जो राजशाही परिवार के लोग होंगे वो लोग अपने स्पेशल अवसर पर इसमें स्नान करने आते होंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम इसमें हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।